हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा था कि मेरे पे कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं 2010 से लेके 2017 तक के, तो क्या हम उन्हें डिस्कस करें, तो आप लोगों ने कहा था यस। तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा चैप्टर वाइज और मार्क्स वाइज। मीन्स चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के 1 मार्क्स के जितने क्वेश्चन हैं उन्हें एक वीडियो में, 2 मार्क्स के जितने क्वेश्चन हैं उन्हें एक वीडियो में, और जो बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चन हैं उन्हें एक वीडियो में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर एक वीडियो इस सीरीज़ पे डालता रहूँ। ठीक है, और बाकी उसके बाद हम 12th का जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है उसे भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस दिसंबर के मिड तक हम एक तरीके से पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इस पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा, और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए या ना नहीं चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा, या फिर अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा, नहीं तो हम आगे जो हमारा रिमेनिंग चीज़ें हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में प्रीवियस 10 ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से पूछे गए हैं। तो देखिए, 1 मार्क्स में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो पूछा गया था CBSE में 2010 में। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, नेम एनी वन ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड वन ऑटोसोमल रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। आपको एक ऑटोसोमल डोमिनेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर बताना है और एक ऑटोसोमल रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर बताना है। तो देखिए, जो ऑटोसोमल रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर है NCERT में सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करा गया है। ठीक है, तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट आपका डिसऑर्डर है उसके लिए आपने अगर कोई अदर बुक पढ़ी है या यूट्यूब पे कोई लेक्चर देखा है तो आप उसका आंसर तभी दे सकते हैं, NCERT में ये चीज़ नहीं गिवन है। तो देखिए, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट हमारी डिजीज़ है वो है म्योटोनिक। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है। ठीक है, म्योटोनिक डिस्ट्रोपी, DRYU, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, DRYSTROPY, डिस्ट्रोपी। ठीक है, म्योटोनिक डिस्ट्रोपी हमारा एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल रिसेसिव में हम क्या लिख सकते हैं, हमारा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इसे याद कर लीजिए, सिकल सेल एनीमिया। और बाकी यहाँ से भी कई क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें भी रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द जीनोटाइप ऑफ, आपको जीनोटाइप बताना है, 2 कंडीशन दी गई है उनका जीनोटाइप बताना है क्या होगा। इंडिविजुअल हुई इज कैरियर ऑफ सिकल सेल अनिमिया जीन बट अनइफेक्टेड, एक ऐसे इंडिविजुअल का जीनोटाइप बताना है जो क्या है, सिकल सेल अनिमिया का कैरियर है लेकिन वो अनइफेक्टेड है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया सिकल सेल अनिमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। तो इसका जो हमारा होगा वो होगा HbA, क्योंकि HbA जीन होती है, HbA HbS। ठीक है, ये जो जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल होंगे वो हमारे कैरियर होंगे बट अफेक्टेड नहीं होंगे। और वहीं सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, इंडिविजुअल अफेक्टेड विद डिजीज़। देखिए, जो HbS जीन है हमारी, या HbS जो एलिली है, वो जब होमोजाइगस होती है तब हमारी ये डिजीज़ शो होती है। तो HbS HbS एलिली हमारी क्या है, इस डिजीज़ को शो करेगी। और ये क्वेश्चन भी CBSE में पूछा गया था 2010 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है जो CBSE 2010 में ही पूछा गया है, क्योंकि कई सेट आते हैं हमारे पेपर में और जो CBSE है वो कई तरीके के एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे इंडियन, नॉन इंडियन, ठीक है, दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन है। ए ह्यूमन बींग सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम शो ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम, मैंशन द कॉज। एक ह्यूमन बींग है जिसे डाउन सिंड्रोम हो रखा है, तो डाउन सिंड्रोम है तो उसमें क्या होगा, 21st क्रोमोजोम पे ट्राइजोमी होगी। ठीक है, तो इसके पीछे का कॉज बताना है कि कॉज होता क्या है। तो यहाँ पे आप इजीली लिख देंगे कि जब भी सेल डिवीजन साइकिल होती है तो उस टाइम पे जब क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती हैं उसकी वजह से हमारा क्या होता है, क्रोमोजोम का गेन या फिर लॉस होता है, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एनिप्लॉयडी। एग्जाम्पल के लिए डाउन सिंड्रोम जैसे हमने पढ़ा था, तो आप सीधा एक वर्ड में लिख दीजिए, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड कॉज, क्या कॉज करता है, डाउन सिंड्रोम। इसके बाद हमारा आता है, नेम द इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल दैट रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2011 में कि एक इवेंट बताइए सेल डिवीजन साइकिल में जिसकी वजह से क्रोमोसोम में हमें
गेन या फिर लॉस देखने को मिलता है। तो ये इवेंट आपको बताना है, ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब आप इसके सॉल्यूशन मेरे से पीडीएफ मांगेंगे तो उसमें मैं सॉल्यूशन लिख के दे दूंगा। लेकिन आप लोगों को तब तक क्या करना है, खुद ट्राई करना है, और अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो मूव ऑन करते हैं हम अपने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। सो फिफ्थ नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2012 में। ए गार्डन पी प्लांट प्रोड्यूस एक्सियल वाइट फ्लावर, अनदर ऑफ सेम स्पीसीज प्रोड्यूस टर्मिनल वायोलेट फ्लावर, आइडेंटिफाई डोमिनेंट ट्रेट। आपको बताया गया है कि जो गार्डन पीज हैं, जिसे मेंडल ने सिलेक्ट करा था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो प्रोड्यूस करता है एक्सियल वाइट फ्लावर, और एक दूसरा फ्लावर उसी स्पीसीज सेम स्पीसीज से आता है, वो प्रोड्यूस करता है टर्मिनल वायोलेट फ्लावर। तो इसमें आपको डोमिनेंट ट्रेट बताने हैं। तो देखिए, ये चीज़ मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, या जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि जो मेंडल के 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दिए गए हैं, और उसमें जो डोमिनेंट रिसेसिव दिया गया है उसे आप याद कर लीजिएगा, कई बार पूछता है, तो ये क्वेश्चन वहीं से आया गया है। तो इसका देखिए आंसर मैं बता देता हूँ। ये जो वायलेट कलर है फ्लावर में, ये डोमिनेंट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्लावर के पोजीशन की, तो उसमें एक्सियल हमारा डोमिनेंट होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आप कैसे लिखेंगे, फ्लावर पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट, और फ्लावर कलर वायलेट डोमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, जिसे 2012 में CBSE द्वारा पूछा गया है। नेम द रिस्पेक्टिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वेयर F1 फिनोटाइप। आपको एक पैटर्न बताना है इनहेरिटेंस का, जहाँ पे F1 फिनोटाइप हमें देखने को मिलते हैं, जो आगे ऑप्शन में दिए गए हैं। डज नॉट रिसेम्बल आइदर ऑफ टू पेरेंट एज इन बिटवीन टू। आपको एक ऐसा F1 फिनोटाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न बताना है, जिसमें जो F1 की प्रोजेनी होती हैं, वो दोनों में से किसी भी पेरेंट के करेक्टर को या फिनोटाइप को रिसेम्बल नहीं करती, और उनका इंटरमीडिएट होती है। तो ये हमारा जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, ये हमारा है, सो ये हमारा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे हमने पढ़ा था, इसमें क्या होती है कि जो प्रोजेनी F1 में बनती है, वो दोनों इंटरमीडिएट होती है दोनों पेरेंट की, ठीक है। सेकंड है रिसेम्बल वन ऑफ द टू पेरेंट, दोनों में से किसी एक पेरेंट को रिसेम्बल करेगी, तो ये हमारा क्या है, डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट टाइप इनहेरिटेंस, और ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, जो अभी तक बोर्ड में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस व्हेन वुड द प्रोपोर्शन ऑफ अ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बी मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप एज शोन बाय मेंडल एंड हिज ग्रुप। एक डाईहाइब्रिड क्रॉस में कब पेरेंटल जीन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ज़्यादा होता है नॉन पेरेंटल टाइप से, ज़्यादा से यहाँ मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा होता है नॉन पेरेंटल टाइप से, जैसा कि मेंडल और उसके ग्रुप ने दिखाया था। तो इसका आंसर है, जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और वो टाइटली लिंक्ड होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोपोर्शनल होता है पेरेंट जीन कॉम्बिनेशन का, वो बहुत ज़्यादा होता है नॉन पेरेंटल से। इसमें क्या होता है, जो पेरेंटल जीन होता है वो होता है 98.7, और नॉन पेरेंटल होता है 1.3, ठीक है। ये आपने जब लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 8, जो पूछा गया है CBSE 2014 में। मेंशन एनी टू कंट्रास्टिंग ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू सीड इन पी प्लांट। आपको दो कंट्रास्टिंग ट्रेट बताने हैं सीड के रिस्पेक्ट में। तो इसमें एक आपका आ जाएगा सीड की शेप, ठीक है, और एक आ जाएगा सीड का कलर, ठीक है। तो शेप में आप क्या लिख देंगे, राउंड और रिंकल्ड, और सीड के कलर में आप क्या लिख देंगे, ग्रीन और येलो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, एक कंट्रास्टिंग ट्रेट, ये हमारा दूसरा कंट्रास्टिंग ट्रेट। इसके बाद हम आते हैं हमारे 9th नंबर क्वेश्चन पे, जो CBSE 2014 में ही पूछा गया है। नेम द स्टेज ऑफ सेल वेयर सेग्रीगेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम ओशर। सो इसका जो आंसर है वो है एनाफेज। क्या होता है, Meiosis 1 की हमारी स्टेज होती है टीलोफेज, एनाफेज, ठीक है, मेटाफेज, प्रोफेज। तो उसमें जो एनाफेज होता है, उस टाइम पे क्या होती है, जो सेल की एलिलीज होती है वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेग्रीगेट करती है, ठीक है। अब हम आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। हाउ मैनी क्रोमोसोम डू ड्रोन ऑफ हनी बी पॉजेस। नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय देम। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBSE 2015 में पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है ये आप
आपको मिलेगा जब आप पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबीज, हनीबीज में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी ड्रोन्स हनीबी होती हैं उनका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय देम, और उनमें जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके के सेल डिवीजन से होता है। तो देखिए स्पर्म, आप देखिए ड्रोन का पहले सोचेंगे कि ड्रोन मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, तो वो सब आपको नहीं देखना। यहाँ पे आपने उसने सीधा क्या बताया क्वेश्चन में कि उनके द्वारा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है तो ड्रोन हमारे क्या होंगे, मेल होंगे, और मेल का क्रोमोजोम नंबर हमेशा क्या होता है, 16 होता है हनीबीज में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पार्थिनोजेनेसिस से फॉर्म होते हैं, और उनके बीच में जब स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो किस तरीके की सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस, ठीक है। ये मैंने रिवीजन में भी आपको बताया है और ऐसे भी लेक्चर्स में भी बताया है, तो आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद हमारा एक और अच्छा क्वेश्चन आता है, 2015 में ही पूछा गया है। 2015 में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी, मतलब आपने क्या थिंकिंग करी है, आपने सिर्फ रटा तो नहीं है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए जेनेटिक इंटरेस्टेड इन स्टडिंग वेरिएशन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग बींग प्रिफर टू चूज ऑर्गेनिज्म फॉर एक्सपेरिमेंट विथ शॉर्टर लाइफ स्पेन प्रोवाइडर लीजन। यहाँ पे बताया गया है कि एक जेनेटिस्ट है, वो क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है वेरिएशन पैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो उसने ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करा जिसकी लाइफ साइकिल छोटी है, तो एक रीज़न बताइए आपको कि उसने उसे क्यों सिलेक्ट करा। तो इसका देखिए रीज़न, एक सिंपल सा रीज़न है कि अगर वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है जिसका लाइफ लाइफ साइकिल छोटा है, तो लाइफ साइकिल छोटा है तो छोटे लाइफ साइकिल में उसे क्या करना होगा, अपनी ग्रोथ करनी होगी, अपना रिप्रोडक्शन करना होगा, उसकी फिर सेंसेशन फेज आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर लाइफ स्पेन छोटा है तो उसका रिप्रोडक्टिव फेज भी छोटा है, रिप्रोडक्टिव फेज छोटा है तो प्रोजेनी हमें जल्दी देखने को मिलेगी, और प्रोजेनी अगर जल्दी देखने को मिलेगी तो एक छोटे टाइम में हम ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम शॉर्टर लाइफ स्पेन वाले ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, ये भी 2015 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। इनडिस्क्रिमिनेट डायग्नोस्टिक प्रैक्टिस यूजिंग एक्सरे शुड बी अवॉइडेड गिवन रीजन, मीन्स एक्सरे से रिलेटेड ज़्यादा डायग्नोसिस हमें नहीं करानी चाहिए, इसका एक रीज़न दीजिए क्यों। इसका रीज़न है क्योंकि ये क्या करता है, कई बार जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं या जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उनको क्या करता है, उन पे अफेक्ट डालता है, उन पे असर डालता है, जिसकी वजह से उनमें कभी कई कभार क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये एक तरीके से बीच में हमारा म्यूटेशन कॉज कर सकता है। सो अगर आप इस क्वेश्चन में म्यूटेशन अच्छे से लिखते हैं, मतलब अगर आप म्यूटेशन लिखते हैं, म्यूटेशन को बताते हैं इसके पीछे का रीज़न, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेस है कि बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक्सरे से क्या होता है, कई बार जो हमारे बेसिकली कोड होते हैं, जेनेटिक कोड, ठीक है, उनमें चेंजेस आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उनकी वजह से म्यूटेशन कॉज होती है, जो क्या करते हैं हमारे जीनोटाइप फिनोटाइप पे असर डाल सकते हैं। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन CBSE 2016 में पूछा गया है, और सेम टॉपिक से पूछा गया, कौन सा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ए मेल हनी बी है 16 क्रोमोजोम, मेल हनी के बी के पास 16 क्रोमोजोम होते हैं और फीमेल के पास 32 क्रोमोजोम होते हैं, एक रीज़न दीजिए ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हनी बीज में जो मेल का प्रोडक्शन होता है वो होता है पार्थिनोजेनेसिस की हेल्प से, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे बता देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, CBSE 2017 में पूछा गया है, नेम द टाइप ऑफ क्रॉस डैट वुड हेल्प टू फाइंड जीनो टाइप ऑफ अ पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर। तो इसका भी आंसर आप खुद बताइएगा, बहुत इजी है, ठीक है, चैप्टर 5 जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा ये इसका आंसर, तो इसका आंसर भी आप बताइएगा। मैं एग्जांपल के लिए इसका बता दे रहा हूँ कि टी से स्टार्ट होता है इसका नाम, ठीक है, टी क्रॉस हम इसे कहते हैं। बाकी आप इसका पूरा नाम कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है, और नहीं पता तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं वहाँ पर आपको PDF भेज दूंगा सॉल्यूशन की। उसके बाद हम 15 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, CBSE 2017 में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक मार्क्स में पूछ लेता है, मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, दो क्वेश्चन दो दो मार्क्स के, एक क्वेश्चन ये इंडिविजुअली आ जाएगा उसमें, ठीक है। स्टेट द फेट ऑफ पेयर ऑफ ऑटोजोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ऑटोजोम का क्या भविष्य होता है, या उनकी क्या, मतलब उनसे आगे क्या हमें देखने को मिलता है। तो देखिए क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ऑटोजोम एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, मीन्स अलग अलग होते हैं, और इस तरीके से होते हैं कि एक गैमेट के पास सिर्फ
एक क्रोमोसोम जाए, ताकि जब वो फर्टिलाइजेशन के बाद एक इंडिविजुअल में हो तो वहाँ पे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो ये थे हमारे 2010 से लेकर 2017 के क्वेश्चन जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे डिस्कस करा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।